हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एयर क्लासेस में। और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। फाइनली आपकी मेहनत रंग लाई। पेरेंट्स और बच्चे जो मिलकर पूरी मेहनत कर रहे थे कि कैंसिल किया जाए बोर्ड एग्ज़ाम को, तो लीजिए आ गई खुशखबरी, क्लास 10 के एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दी गई है। जबकि 12वीं के एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है, यानी कि 12वीं का एग्ज़ाम को पॉसिबिलिटी है कि आगे एक्सटेंड किया जाएगा, डेट बढ़ा के आगे एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन 10वीं की परीक्षाएं रद्द यानी कैंसिल। सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ नेता अभिनेताओं द्वारा जारी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार शिक्षा मंत्री, सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की स्थगित करने का ऐलान किया गया। क्योंकि जैसे हैशटैग कैंसल सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 ट्वीट किया गया था, जो ट्रेंड कर गया था, ये सब को लेकर बहुत सारे अभिनेता लोगों ने भी मांग की थी कि एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाए। बहुत तेज़ी से कोरोना फिर से फैल रहा है, तो इन सब के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि क्लास 10 का एग्ज़ाम रद्द और 12वीं की स्थगित, यानी 12वीं का एग्ज़ाम होगा। इसलिए 12वीं के स्टूडेंट आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। तो ये खुशखबरी वाला अपडेट था बच्चों, तो चलिए आपको खुशखबरी दे दी मैंने। आप लोग भी लाइक दे दो वीडियो को, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ और ढेर सारा प्यार दो सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब के जरिए ढेर सारा प्यार दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों।